तो हे गाइस, तो कैसे हो तुम सभी। तो देखो यार, आज एक जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही नॉर्मल सी वीडियो है। मतलब इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं एच मांगा। हाँ, हेंटाई मांगा। तुम लोगों को बताने होगा कि एच मांगा होती क्या है। तो यार ये बहुत तरह की होती है। एक से होती है नॉर्मल मांगा, एच मांगा, मोहांगा, उसके बाद डोजिन भी होता है और बहुत सी अलग अलग तरह की मांगा होता है। मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर जो मुझे पता है वो है एच मांगा बस। और भाई देखो, आज हम बात करने वाले हैं जिस मांगा के बारे में, उसका नाम है द होल इज ओपन। हाँ, क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि एक गांव है जहां पर सभी औरतें और तुम अकेले मर्द हो, और उस मर्द को एन एनर्जी नाम की चीज को रिलीज करना है हर रोज। क्या होगा? बस यही भाई कॉन्सेप्ट फॉलो करता है ये पूरा एनिमे, या सॉरी मैं कहूँ पूरी मांगा। तो इस मांगा में भाई देखो, पहले तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जाएगी और तुम्हें बस देखनी हो तो तुम वहां जाके पढ़ सकते हो। मैं टेलीग्राम की लिंक दूंगा जहां से तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसको पढ़ सकते हो। तो यार बेसिकली स्टोरी को शुरू कर देते हैं। तो हाँ, ये स्टोरी फॉलो कर देती है एक ही यांग नाम के बंदे के। तो ये बंदा जो है अपनी थर्टीज में जी रहा है, मतलब थर्टीज में जी रहा है। अब उसकी उम्र 30 साल हो गई है और उसके आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और उस चीज से वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंड है और वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया जो करना चाहता था। उसको बचपन से बहुत ज्यादा पैसे कमाने थे पर वो कुछ भी नहीं कर पाया पूरी लाइफ में। फिर सडनली उसके दादाजी की डेथ हो जाती है और उस डेथ में उसे पता चल जाता है कि उस दादाजी की एक छोटी सी दुकान है जो कि अब कोई नहीं चला पा रहा है। तो उसको चलाने के लिए उसके अंकल है, वो बोलते हैं कि तुम अब यहाँ पे करने कर सकते हो जॉब, वैसे ही तुम्हारा बिजनेस ठप चल रहा है, तुम वहां पे आ जाओ और वहां पे जॉब कर लो। फिर ये बंदा उस चीज को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि हाँ, यहाँ से शायद मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। और भाई जो शुरुआत होने वाली है ना, गत्ते ही गजब। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ द सी, मतलब हमें दिखाई जाती है आंट जी। हाँ, आंट जी। तो यार ये जो उसकी आंटी होती है, हाँ तुम लोग देख सकते हो यार, इसकी जो आंटी होती है उसको पहली बार मिलता है और फिर भाई बंदा थोड़ा सा स्टंट हो जाता है। फिर याद आता है उसको कि नहीं, ये आंटी है, हमारी खुद की आंटी है। तो फिर वो सोचने, मतलब वो जो गंदे विचार है वो छोड़ निकाल लेता है। फिर उसके बाद भाई वो जाता है विलेज में। वो विलेज में जाने के बाद वो आंटी जो है उसको घर दिखाती है पूरा सारा। फिर उसके बाद वो शॉप जाती है और शॉप जब भी देखते हैं ना हम, उस शॉप पे लिखा होता है द होल इज क्लोज्ड। हाँ, तो और यहाँ से हमें पता चलता है कि इस मांगा का नाम द होल इज ओपन क्यों पड़ा। तो हम यहाँ पर वो बोलते हैं कि कल से मैं यहाँ पर शॉप पे काम पे आऊंगा, और वो सोने चला जाता है। सोते समय वहाँ पे उसकी आंटी आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम सच में वहाँ पर काम कर पाओगे, तुमसे हो पाएगा। फिर ये सोच लगता है कि ऐसे कुछ क्यों पूछ रही है मुझे। फिर वो बोलता है हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि कुछ भी हो जाए मैं इस काम में सक्सेसफुल हो जाऊँ। फिर उसके बाद क्या होता है, सुबह हो जाती है और वो चला जाता है वो काम करने के लिए अपनी शॉप पर। और वो जैसे ही शॉप पे जाता है वो देखता है कि उसकी दादी पहले से शॉप पे काम कर रही है। फिर वो जाते हैं और उस दादी को हेल्प करता है और शॉप को ओपन कर लेता है। फिर उसी के साथ साथ दादी और वो बंदा जब अंदर बैठे हुए होते हैं तभी एक लड़की आ जाती है जिसका नाम तो यार बहुत ही योमी कुछ तो नाम है, मैं इसको पिंकी बोलना प्रेफर करूंगा क्योंकि इसके हेयर का कलर पिंक है। तो ये बोल वो आती है और बोलती है कि मुझे बियर बॉटल चाहिए, और बहुत ही ज्यादा तेज और गुस्सेल औरत होती है, मतलब गुस्सेल हंटर वाली की तरह एकदम बहुत गुस्सेल। फिर वो आती है और बोलती है कि मुझे बियर दे दो बुढ़िया। वो बुढ़िया बोलती है तुम पहले बियर पीना छोड़ दो और मैं अभी बूढ़ी नहीं हूँ। फिर उसके बाद वो लड़की उसके बाद बोलती है चुपचाप मुझे बियर दो, और वो भाई थोड़ी देर के लिए लड़की की तरफ देखती है और पूरी चौंक जाती है कि क्या वो एक लड़का है। और फिर वो वहां से बोलती है हाँ, ये मेरा ग्रैंडसन है, मतलब मेरा पोता है। और फिर वो भी बोलता है ये हाय आई एम ही, और मैं यहाँ पे आज से काम करूंगा। फिर वो बोलती क्या ये सच में एक लड़का है, और फिर वहां से चुपचाप बॉटल लेके भाग जाती है। फिर वो सोचने लगता है कि वो इतने क्यों हैरान है मुझे देख के। फिर उसको बोलती है जो दादाजी है उसको बताती है कि देखो बेटा, इस पूरे विलेज में ना तुम्हारे अंकल, तुम्हारे दादा और तुम, ये तीनों ही मरते। तुम्हारे दादा तो मर गए और तुम्हारे अंकल और तुम अब दोनों ही पूरे विलेज में लड़के हो, बाकी इस विलेज में सभी औरतें हैं जब पुराने। और फिर वो हिस्ट्री बनाती कि पुराने टाइम में जैसे जब लोग, मतलब जो आदमी थे वो पूरे जो आदमी थे वो उनको वार पे जाना पड़ता था, तो औरतों ने क्या किया कि सिर्फ लड़कियों को ही पैदा किया, क्योंकि अगर लड़का पैदा होता है तो उसको वार को जाना पड़ेगा, तो इसके लिए लड़कियां ही पैदा किया। और अब इस पूरे जो विलेज है उस पे कर्ज है कि अब कोई भी औरत सिर्फ बेटी को ही जन्म देती है, तो यहाँ पे कोई मर्द नहीं होता। फिर ये बोलता है ऐसी बात है हाँ। फिर उसके बाद बोलती है कि क्या तुम तैयार हो होल के लिए। मैं क्या, वो बोलता है होल वो क्या, मुझे आज से तुम होल का काम संभालोगे। फिर वो बोलता है होल का क्या है क्या। फिर वो बोलते चलो अंदर में दिखाते हो। फिर वहां पे एक सीक्रेट, मतलब एक सीक्रेट छोटा सा दरवाजा, मतलब पर्दा होता है बस, वो अंदर चले जाते हैं। और फिर वो उसे देखता है कि वहां पे एक होल है
और ऊपर से देखने के लिए कि वो दीवार है उसमें एक छोटा सा होल है और तुम उस तरफ देखने के लिए छोटी सी लपट्टिया जो छोटी छोटी होती है ना खिड़कियाँ। और फिर वो बोलता है या क्या करना है यहाँ पे। फिर वो जब बाहर आती है तो वो बोलती है कि द होल इज ओपन। तो वो बताती है हिस्ट्री की, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे दादाजी अकेले ही हैं, इस इतने सालों तक चला रहे थे, पर अब वो दादाजी ने तुम्हें एक किताब दी है, इसमें पढ़ो। फिर वो दादाजी की किताब लेता है और पढ़ता है। उस किताब में लिखा होता है कि देखो ये जो शहर है, इस शहर में एन एनर्जी की बहुत कमी है। हाँ, एन एनर्जी मतलब मुझे नहीं पता ये क्या होती है, पर उस विलेज में एन एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो देखो जो होल है वहां पर छोटा सा होल बना होता है दीवार के अंदर, तुम देख सकते हो। तो इस होल के अंदर तुम्हें अपने डिक को डाल के एन एनर्जी को रिलीज करना होगा। फिर उसको पता चल जाता है कि अरे भाई मतलब आई हैव टू हैव अ सेक्स विद पीपल सो आई कैन रिलीज द एन एनर्जी। तो फिर उसके बाद भाई यू पागल हो जाता है, क्या ये कैसे हो सकता है। फिर उसको एक फ्लैशबैक आता है जब वो दादाजी को बोलता है कि दादाजी आप छोटे से विलेज में क्यों रह रहे हो, हमारे साथ शहर क्यों नहीं आते। फिर वो दादाजी बोलते कि नहीं मुझे शहर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं छोटे से गाँव में बहुत खुश हूँ, मैं इस गाँव से बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो बोलते कि ठरकी बुद्धे को ये चीजें कर रही थी इसलिए वो नहीं आया। फिर उसको रिलीज आता है। फिर उसके बाद वो क्या होता है कि वो जो कल वाली लड़की, हाँ यू ये नाम था उसका, पिंकी बोलेंगे हम उसको, वो जो लड़की आती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पे होल के लिए आई हूँ। फिर उसे समझ नहीं आता कि करना क्या है। फिर वो डरते हुए खड़ा होता है। फिर वो लड़की भाई पूरा अनड्रेस करने लग जाती है और फिर वो बोलती है कि अभी तक तुम्हारे कपड़े नहीं निकाले तुमने। और भाई उन दोनों के बीच में एक दीवार है, याद रखो उन दोनों के बीच में एक दीवार है, एक छोटा सा होल है और उस होल के तुम्हें, होल के थ्रू ही तुम्हें सब कुछ करना है। और भाई इस होल के थ्रू तुम जो भी कर पाओगे वही करना है। फिर उसके बाद भाई जो लड़की है उसको टच करती है उसके, तो वो डर जाता है और भाग जाता है पीछे। और फिर वो बोलता है कि आज तक, हाँ पूरी लाइफ में जब तक वो सक्सेस के पीछे भागा रहा, पैसों के पीछे, पर उसे वो फीलिंग नहीं आई जो आज उसे जब टच करने के बाद आई। जब उसने टच किया तो इसको जो फीलिंग आई वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी, मतलब वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपनी पैंट निकालता है, फिर उसके बाद भाई बहुत कुछ होता है और वो लड़की चुपचाप से वहाँ चली जाती है। और फिर यहाँ पे वो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यार बहुत देखो और भी चैप्टर आएंगे, हाँ बहुत ज़्यादा चैप्टर आने वाले हैं और मैं वो भी मतलब अपलोड करूंगा। पर ये अभी इसीलिए अपलोड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक शुरुआत करना चाहता हूँ भाई। मैं बहुत ही दिनों से यूट्यूब पे शुरुआत करना चाहता था और मैंने सोचा कि मैं शुरुआत कर ही लूँ, तो आज से ये छोटा सा वीडियो। यार नेक्स्ट टाइम मैं बड़े वीडियो के साथ आऊँगा और इस स्टोरी को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए भाई मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, तुम जाके वहाँ जाके ये मांगा पढ़ सकते हो। अभी दो चैप्टर डिस्क्राइब किए हैं मैंने, बहुत से चैप्टर जो कि डिस्क्राइब करना बाकी है पर वो भी अपने चैनल पे होते रहेंगे। तो देखो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन है, तुम जाके चेकआउट कर लो यार, तुम्हें बहुत मजा आने वाले हैं। और हाँ उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो तुम्हें पता चले।